शासन के निर्देशानुसार दो दिनों की साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन रविवार को सभी दुकानें और सरकारी कार्यालय बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा फैला रहा, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि महानगर में लॉकडाउन की कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। शहर की सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद हैं। सभी लोग आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियमों का पालन करें एवं शासन व जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, आज जो सैटरडे संडे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जाता है, उस संदर्भ में आज भी लॉकडाउन की स्थिति है, परंतु आज एक बीओ का एग्जाम है जिसमें शहर में 49 सेंटर बनाए गए हैं, उस एग्जाम के चक्कर में थोड़ी भीड़ भाड़ है। अदरवाइज दुकानें सारी बंद हैं, पुलिस लॉकडाउन के जो नियम है उनका पूरा पालन करा रही है। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है ताकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो सके। अपील ये कि आप देख रहे हैं कि पर डे गोरखपुर जनपद में 200 से ऊपर ही केस पर डे निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और अपने पड़ोसी अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।